hi guys what's up so welcome back to another video of chemistry chat chat and this is our part number fourth and in this we will discuss about the evaporative factors as well as a very important and interesting fact so let's get started सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इवेपोरेशन हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया था कि एक ऐसा प्रोसेस होता है ये जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो है ईजिली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है सो so, फैक्टर्स हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं सो फर्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर नेक्स्ट वन सर्फेस एरिया थर्ड वन ह्यूमिडिटी एंड लास्ट वन इज अवर विंड स्पीड सो सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है ए, रेट ऑफ एवेपोरेशन को सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ एवेपोरेशन गैस ऑल्सो इंक्रीजे आप क्या कर रहे हो आपने कोई लिक्विड करा ठीक है आपने कोई भी लिक्विड एक लिया उसका आप टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ करते जा रहे हो ठीक है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी क्या करेगा बढ़ता जाएगा भाई आप कॉमन एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ का देखो कि जितनी ज़्यादा धूप होगी जितनी ज़्यादा वहाँ पर हीट एनर्जी होगी जितना ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जल्दी कपड़े सूख जाएंगे होता है ना नॉर्मली कि हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं जब धूप ज़्यादा होती है या धूप का क्या जो होता है वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हीट एनर्जी होती है ही जो रेज होती हैं सन की वो जब स्ट्रॉन्ग होती हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्लॉथ्स जो हैं वो फटाफट -फड़ से क्या हो जाते हैं सूख जाते हैं मीन्स रेट ऑफ़ एवेपरेशन जो है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है हो रहा है क्लियर सो नेक्स्ट थिंग इज सर्फेस एरिया अब क्या बात है भाई इसमें कि सर्फेस एरिया जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे किसी भी लिक्विड का वैसे वैसे रेट ऑफ एवेपरेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा कॉमन सी बात है इसको हम समझते हैं आपने क्या करा आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली तो टेस्ट ट्यूब कैसी होती है पतली होती है उसका जो सरफेस एरिया है उसके अंदर का जो एरिया है वो कैसा रहेगा छोटा होता है विद रेस्पेक्ट टू दिस यूज कंटेनर ये कंटेनर आपने ले रखा है देख रहा होगा आपको सेकेंड फिगर में सो so, इसमें कैसा एरिया है यहाँ पर ज़्यादा है तो आपने अगर कोई भी लिक्विड लिया है तो ये जो है ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है सो so, जब ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है तो क्या होगा यहाँ से जो भी लिक्विड है अगर लिक्विड जो है वो गर्म है तो ठंडा जल्दी होगा ना कॉमन आप एग्जाम्पल देखो आप चाय ले रहे हो ठीक है आप अगर कप में चाय ले रहे हो और दूसरी दूसरा केस है यहाँ पर आप अगर सॉसर में ले रहे हो किसी प्लेट या बाउल वग़ैरह में ले रहे हो तो चाय जो है वो आपकी सॉसर या किसी बाउल वग़ैरह में जो होती है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट कंडीशन ठीक है सो so, अब रीज़न क्या है कि जो आपने प्लेट वगैरह में ली आपने या किसी सौसा वगैरह में ली सो उसमें क्या था उसमें सरफेस एरिया उसका बढ़ गया भाई उसका आप लेंथ और वर्थ देखो ज़्यादा हो गई उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया दैट मीन्स वो ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी उसका रेट ऑफ़ एवेपरेशन क्या है बढ़ जाएगा हो रहा है क्लियर सो so, जैसे जैसे क्या होता है सर्फेस एरिया बढ़ता जाता है जितना जितना आप बड़ा कंटेनर लेते जाओगे जितना जितना बड़ा उसका सर्फेस एरिया होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ एवेपरेशन बढ़ता जाएगा राइट सो ड्रिंकिंग टी इज इन द दॉस इज इजी दान इन द कप हो रहा है क्लियर सो नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमिडिटी अब भाई ह्यूमिडिटी क्या होता है सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द लिक्विड ठीक है कोई भी लिक्विड है तो उसमें कितना वाटर वेपर का अबंडेंस है कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं सो ह्यूमिडिटी जब आपकी कम होगी देन रेट ऑफ वैपरेशन जो है वो ज़्यादा होगा आपने देखा है ह्यूमिडिटी कम होगी इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे एटमोसफियर में वाटर वेपर का अबंडेंस जो है वो कम है दैट मीन्स गर्मी जो है बाहर ज्यादा हो रही है गर्मी ज्यादा हो रही है तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई बढ़ता जाएगा ठीक है और जब रेट ऑफ़ एवेपोरेशन बढ़ता जाएगा तो जो भी हमारे क्लॉथ्स हैं वो ईजिली क्या हो जाएंगे वो ड्राई अप हो जाएंगे राइट सो नेक्स्ट थिंग इज स्वेट इंक्रीजेज इन द समर मीन्स द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज एंड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एवेपोरेशन आपने देखा होगा समर में हमको पसीना ज़्यादा आता है सो so इसका मतलब क्या है कि एयर में क्या हो रहा है ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है भाई वाटर वेपर का अमाउंट क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है तो so इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो रही है यहाँ से कि जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी ठीक है देन ऑटोमेटिकली रेट ऑफ एवेपरेशन में डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा राइट नेक्स्ट थिंग इज विंड स्पीड ठीक है सो विंड स्पीड में क्या होता है रेट ऑफ़ इवेपरेशन ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द विंड स्पीड जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इवेपोरेशन का जो रेट है किसी भी लिक्विड का वो जो है वो भी बढ़ेगा ठीक है आपने देखा कि भाई हवा जो है वो बहुत तेज़ चल रही है सो विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है सो उस केस में क्या होगा आपके जो भी क्लॉथ्स हैं वो क्या हो जाएंगे फटाफट सूख जाएंगे आपने देखा होता है कि कभी कभी सनी सीज़न होता है तो आप क्या करते हो क्लॉथ्स वगैरह को अंदर ही सुखा लेते हो अंदर पंखे वगैरह के आगे कूलर वगैरह के आगे तो वो क्या करते हैं उस कंडीशन में भी सूख जाते हैं सो विंड स्पीड इंक्रीज़ करेगी देन रेट ऑफ़ एवेपरेशन जो होगा लिक्विड का वो इंक्रीज़ करेगा सो so अब हम समराइज़ पार्ट देख लेते हैं इसका रेट ऑफ़ एवेपरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ़ द लिक्विड टेम्परेचर लिक्विड का इंक्रीज़ करेगा तो रेट ऑफ एवेपरेशन भी इंक्रीज़ करेगा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इंक्रीज़ करेगा दैन रेट ऑफ एवेपरेशन जो है वो भी इंक्रीज करेगा एंड रेट ऑफ एवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करेगी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रजेंट इन आर एनवायरमेंट वेन दे गैट्स इंक्रीजेस दैन रेट ऑफ एवेपरेशन विल गैट डिक्रीजेज ठीक है नेक्स्ट रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिन स्पीड विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा तो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनको समझ लेते हैं ऑन अप्लाइंग द लिटल स्प्रिट दैट इज ईथर और पेट्रोल ऑन आर हैंड इट एवेपरेट्स रैपिडली आर हैंड फील्स द कोल्ड आपने देखा होगा अब हम अपने हैंड uh, पे क्या कर रहे हैं हमने हल्का सा थोड़ा सा स्प्रिट लगा लिया दैट मीन्स हमने ईथर लगाया या फिर पेट्रोल लगाया सो so, वो क्या होता है वो फटाफट से इवेपोरेट हो जाता है एनवायरनमेंट में जब जैसे ही वो लिक्विड हमारे हाथ से उड़ गया ठीक है हमारे हाथ से ऊपर एनवायरनमेंट में चला गया तो हमारे हैंड में हमें क्या फीलिंग होती है कोल्डनेस की फीलिंग लगती है राइट सो नेक्स्ट थिंग इज आपको दिख रहा होगा ये पॉट है ठीक है इस पॉट में क्या होता है छोटे छोटे से बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट से पोर्स होते हैं छोटे छोटे से होते हैं सो so, इन पोर्स की भी अपनी कुछ अलग कहानी होती है इन पोर्स से होता क्या है वाटर सीप्स आउट कॉन्टिन्यूसली एंड टेक्स द एलज फॉर द वैपराइजेशन एंड रिमेंस द वाटर लूजर्स हीट एंड गेट्स कूल आपने देखा होगा कि समर में हम क्या करें हम लोग पॉट में पानी रख लेते हैं ठीक है और वो काफ़ी टाइम तक क्या रहता है ठंडा रहता है और न्यूट्रिशियस वो बहुत रहता है क्योंकि उसमें मिनरल्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं ठीक है सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पॉट में क्या होता है छोटे छोटे से ये छेद होते हैं अब उन छेदों से क्या होता है कि पानी जो है वो कंटिन्यूअसली बाहर निकलता रहता है सीप होता रहता है रस्ता रहता है हल्का हल्का सा पानी अब कंटिन्यूअसली रस्ता रहेगा तो वो क्या करेगा वो एल ऑफ वेपराइजेशन को ले लेगा अब हमने पढ़ चुके हैं हम लोग एल ऑफ वेपराइजेशन क्या है सिंपली वो हीट जो जा रही होती है जब आप लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हो ठीक है कोई भी लिक्विड जो है वो गैस क्या नाम है कन्वर्ट हो रहा होता है गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में सो so, वो क्या करता है जब वो उसने इस हीट एनर्जी को ले लिया तो बचा हुआ पानी जो है वो क्या हो जाएगा वो अपनी हीट को लूज़ कर देगा और उस हीट एनर्जी वो हीट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब कर ली वो वैपराइज जो हमारे पार्टिकल्स थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली अब जब हीट तो चली गई तो बचा क्या कूलनेस ही तो बची तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर हीट एनर्जी तो वेपराइज मॉलिक्यूल ने अब्ज़ॉर्ब कर ली सो so लेफ्ट हमारी कौन सी चीज़ रह गई वहां पर कोल्डनेस रह गई सो so उस कोल्डनेस की वजह से क्या होता है जो उसका अंदर का जो वाटर होता है ठीक है वो कैसा रहता है कूल cool रहता है बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है क्लियर सो नेक्स्ट इज स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हाउस इन अ विलेज ड्यूरिंग अ हॉट समर्स टाइम ठीक है आप क्या होता है जब गर्मी होती है तो आप अपने घर वगैरह के आगे छिड़काव कर लेते हो पानी का सो आपने कभी सोचा आप क्यों करते हो ऐसा ठंडा करने के लिए ताकि वो जो एरिया है जहाँ पर गर्मी है आगे का एरिया वो कैसा हो जाए कूल हो जाए वहाँ की जो हीट है वो निकल जाए सो इसके पीछे का लॉजिक है इसके पीछे का लॉजिक है हीट ऑफ वेपराइजेशन ठीक है अब वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे थे वो क्या करेंगे वो उस हीट ऑफ वेपराइजेशन को अपने साथ ले जाएंगे जब वो उस हीट ऑफ वेपराइजेशन को अपने साथ ले जाएंगे मीन्स एबजॉर्व कर लेंगे उस हीट एनर्जी को जब एबजॉर्ब करके वो तो एनवायरनमेंट में चले गए ठीक है वो वो वेपर मॉलिक्यूल जो थे वो किस में चले गए एनवायरनमेंट में चले गए सो so, एनवायरमेंट में जाने के बाद जब हीट एनर्जी ले गए तो बचा गया सराउंडिंग में क्या रह गया सिर्फ कोल्डनेस रह गई राइट सो नेक्स्ट थिंग इज परसपाइरेशन और स्वेटिंग विच इज़ अ बॉडी मैथड टू मेन्टेन अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है अब पसीना आना भी बहुत ज़रूरी होता है वो इसीलिए जरूरी होता है ताकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट तरीके से प्रॉपरली क्या रहे मेंटेन रहे ठीक है सो so, आपको दिख रहा होगा ये बच्चा क्या कर रहा है एक्सरसाइज कर रहा है सो so, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है हमें पसीना आने लगता है और इस ये जो पसीना हमें आता है ठीक है ये क्या करता है ये सारा का सारा जितना भी हमारी बॉडी की हीट होती है उसको निकाल के ले जाता है ठीक है जब हमारी बॉडी की हीट निकल गई तो हमें थोड़ी सी थोड़ी सी क्या हो जाती है कोल्डनेस की फीलिंग आती है राइट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वी वी आर द कॉटन क्लॉथ्स इन द समर आपने सोचा है ना हम लोग कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों पहनते हैं और भी तो बहुत पहन सकते हैं सिंथेटिक नायलॉन पॉलिस्टर बट जो कॉटन क्लॉथ पहनने के पीछे रीज़न होता है वो ये होता है कि ये स्वेट एब्जॉर्बर होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो होते हैं हमारे स्वेट को हमारे पसीने को क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर देते हैं और जब पसीना हमारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारी बॉडी को क्या करते हैं कूल cool कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट इज अदर स्टेट्स ऑफ द मैटर अब भाई मैटर की हमने तो तीन स्टेट्स पढ़ी थी सॉलिड लिक्विड एंड गैस बट दो स्टेट्स हमारी जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं दैट इज प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टीन कंडेन्शेट सो प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा जो होता है बेसिकली मिक्सचर होता है किसका मिक्सर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं ये जो होता है ये स्टार्स वगैरह में मिलता है ठीक है सन में मिलता है यही रीज़न होता है प्लाज्मा के प्रजेंट होने की वजह से सन स्टार्स जो होते हैं वो क्या कर पाते हैं ग्लो कर पाते हैं चमक पाते हैं ठीक है सो नेक्स्ट थिंग इज बोस आइंस्टीन कंडेंशेट और बी ई सी ये क्या है लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है और वी कैन से फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ठीक है सो प्रोडिक्ट वैदा एल्बर्ट आइंस्टीन किसने बताया था इसकी प्रोडक्शन करी थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने और जो तीन साइंटिस्ट और थे उन्होंने कहा था दैट इज़ कॉर्नल कैटर्नल एंड वीमेन इन्होंने कहा था कि जब हम किसी भी गैस को कूल कर रहे हैं ठीक है और इतनी डेंसिटी उसकी कम कर दे रहे हैं एटलीस्ट वन हंड्रेड थाउजेंड डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर नॉर्मल एयर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगर वन हंड्रेड थाउजेंड जो है उस एरिया के हिसाब से हम उसकी डेंसिटी को कम कर दे रहे हैं मतलब एक सुपर लो टेम्परेचर हम कर दे रहे हैं तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा बोस आइंस्टीन कंडनशेट का क्लियर सो गाइज दिस लेक्चर इज आर ओवर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं खर्च होगा